सो हे गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में आपको ब्रस्टोपैथ कलर पेंसिल्स के बारे में सब कुछ बता दूंगा। आज इसके बारे में हम सब कुछ जान लेंगे और इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज के इस वीडियो के बेसिकली थ्री पार्ट्स होंगे। फर्स्ट रिव्यूइंग, सेकेंड अबाउट द पेंसिल्स, एंड थर्ड होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट पे है ये ब्रस्टो का, मतलब ये है इसकी पेंसिल्स आती है पूरी, इस पे पूरे थ्री प्लेट्स आती है। आपने शॉर्ट देखा होगा तो आपको पता ही होगा, इसमें टोटल थ्री प्लेट्स है और जिसमें अलग अलग शेड्स हैं। जैसे कि ये फर्स्ट थ्री प्लेट्स है, जैसे फर्स्ट प्लेट में सबसे पहले आते हैं नॉर्मल एकदम लाइट शेड्स, बीच वाले में मिडिल नॉर्मल शेड्स होते हैं वो, और फिर थर्ड वाले में थोड़े डल शेड्स आते हैं, मतलब थोड़े डार्क शेड्स आते हैं थोड़े अलग अलग, ये देखिए, और एकदम सर्कल शेप में है, हेक्सागोनल नहीं है। पहले मैं डॉम्स की यूज करता था, वो हेक्सागोनल है और वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो इसकी थ्री प्लेट्स है टोटल और ये काफ़ी बढ़िया लगी है मेरे को तो अभी तक। ये बहुत ही बढ़िया पेंसिल्स है, मतलब आप भी इसे ले सकते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा आगे, थोड़ा आगे निकल गए हो तो, थोड़े प्रोफेशनल में चले गए हो तो आप ये पेंसिल जरूर ले सकते हैं। और ये इसकी टोटल थ्री प्लेट्स हैं। सो सेकंड नंबर पे अबाउट द पेंसिल्स, सो ये मैंने लिप्स बनाए थे, राइट साइड है ब्रस्टो की और लेफ्ट साइड है डॉम्स की, और ऊपर आप क्यूब देख रहे हैं वो मैंने ब्रस्टो की पेंसिल्स बनाए। सो आप देख सकते हैं ब्रस्टो की पेंसिल्स में थोड़ी डिटेलिंग बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन डॉम्स की पेंसिल बहुत बेकार लग रही है। तो ये डॉम्स की पेंसिल है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ करता रहा हूँ। ये कुछ ऐसी, इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, कम से कम साल भर से इसे यूज़ कर रहा हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया पेंसिल है ब्रस्टो वाली, और ये भी ठीक ठाक है, मतलब बिगिनर्स के लिए डॉम्स की पेंसिल एकदम बेस्ट है। ये क्यूब भी मैंने इससे बनाया है, बहुत ही बढ़िया बना था क्यूब भी, और ये लिप्स मैंने ब्रस्टो की पेंसिल से बनाए जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसमें थोड़ी डिटेल्स मैंने इतनी डाली नहीं है, बस थोड़ी शेडिंग कर दी थी और थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए किया था बस। तो गाइस, थर्ड पे है प्रॉपर्टीज, इस पेंसिल की प्रॉपर्टीज जानेंगे हम। और इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ 4 mm की इसकी थिक लीड्स है जो कि बहुत अच्छा है, और सॉफ्ट वैक्स बेस्ड क्रेयॉन्स है, आई मीन कोर्स है, हाईली पिगमेंटेड एंड ब्रेक रेजिडेंट है, मतलब ये आसानी से टूटेगी नहीं, एक्सीलेंट लाइट फास्टनेस है, फेड रेजिडेंट है, मतलब लाइट फास्टनेस का मतलब होता है आप ड्राइंग बनाते हो वो थोड़े टाइम बाद थोड़ी फेड होने लग जाती है, तो फेड नहीं होती, इसका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये बहुत ही बढ़िया होता है, डॉम्स की पेंसिल में देखने को नहीं मिलता है। और थर्ड फोर्थ है ब्लेंड्स इजीली, और फिफ्थ है स्मूथ ऑन पेपर बोर्ड और कैनवास, और थर्ड है नॉन टॉक्सिक और ये सब। ये इसके पीछे इसके कुछ शेड्स दे रखे हैं जो बहुत ही बढ़िया लगे डॉम्स की पेंसिल में, नहीं इसमें हर मतलब दे रखा है, कोड दे रखा है कि ये पेंसिल का, ये मान लो बाई चांस आपकी कोई पेंसिल गुम हो जाती है या कहीं हो जाती है तो आप ऐसे मतलब गिन सकते हैं ब्रस्टो 1 ब्रस्टो 2, ऐसे दे रखा होता है इस पर। आपकी कोई पेंसिल मिसिंग हो तो आप ऐसे पता कर सकते हैं इसमें दे रखा है। सेकेंड, कैमरा थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है। ये नीचे लिख रखा है लाइम, और फिर बीच में ब्रस्टो का जो भी वो होगा BR करके, फिर जो भी इस पेंसिल का नंबर होगा वो लिखा हुआ होगा। कुछ इस टाइप का है, ये आप देख सकते हैं लाइम लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है BR 51, मतलब भी 51 नंबर की पेंसिल है, 72 शेड्स में 51 शेड है। और सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइज।